महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने उच्च बिजली बिल के खिलाफ बांद्रा में कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा अगर मेरे पीछे पड़ोगे तो मैं भी हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसा, एक की मौत, 15 यात्री घायल। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा उद्धव सरकार से जनता परेशान। 2500 साल बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर कर सकेंगे सर्जरी, एलोपैथी के डॉक्टरों ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश में लौ जिहाद के दोषी को होगी 10 साल की सजा, अगले महीने में आएगा विधेयक। लगातार दूसरे दिन बड़े कोरोना के एक्टिव मामले, 24 घंटों में 524 लोगों की गई जान। पूरे एशिया में भारतीय की सबसे ज्यादा रिश्वतखोर, सर्वे ने बताया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर टेंशन हाई, किसानों ने उखाड़े बैरिकेड, पुलिस ने किया आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट से बौखलाए ओवैसी, कहा बुलाओ मोदी को हम देख लेंगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एसटी बस का भीषण हादसा, एक की मौत, 16 जख्मी। महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनाने को तैयार है भाजपा, फडणवीस बोले ये सरकार गिरेगी, ऐसी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती। महाराष्ट्र में बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के राज्य में नो एंट्री, नियम पर अमल शुरू। 24 घंटे में भारत में कोरोना के 44,479 नए मामले, 524 की मौत। गुजरात में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, 10 साल के लड़के समेत 4 लोगों को हिरासत में। गाजियाबाद में ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी मास्क ना पहनने वालों पर नजर, आदेश लागू। कोरोना का खौफ, संक्रमित की मौत के बाद लाश को छोड़कर भागे परिजन, अस्पताल ने घर वालों को किया फोन। अजीत पवार चाहते थे कि बीजेपी के साथ ही बने सरकार। इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा पर 31 दिसंबर तक फिर बढ़ाया गया प्रतिबंध। 26/11 हमले की 12वीं बरसी पर रतन टाटा ने किया भावुक पोस्ट। मुंबई में बुधवार को कोविड-19 के 1144 नए केस, 17 की मौत। मुंबई एयरपोर्ट से 18 करोड़ की कोकीन जब्त। एनसीबी के 3 ठिकानों पर छापेमारी, ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार, मुंबई। दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं किसान, सीमाई इलाकों पर भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी से केरल तक कोरोना का कोहराम, एक्शन में सरकार, लेकिन नहीं कम हो रहे हैं मामले। नागपुर में 100 करोड़ रुपए के निवेश घोटालों को पर्दाफाश, 25,000 से ठगी, 11 गिरफ्तार। राज ठाकरे ने की लोगों से बढ़े हुए बिजली बिल का भुगतान न करने की अपील।